अभी आप तो जानते हैं कि हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी सभी जो हमारे पुरखा हैं उनके संस्कारों को जीवित रखने का काम जनता दल यूनाइटेड पार्टी ही करती है। भाजपा के भरमजाल से बची आप लोग को भी कह रहे हैं, भाजपा जो है सही रास्ते से दिशा विहीन कराना चाहता है, लोगों को भटकाना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं News24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती का भव्य जदयू की तरफ से आयोजन किया जाना था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुनते हैं। इन्हें हम लोग ने पार्टी ने बैठक किया, बैठक में लोगों का राय आया कि जो जनवरी का जो महीना है उस समय ठंड का ज़्यादा रहेगा, तो ठंड की वजह से जो अभी आपने देखा है कि जो भीम संवाद हम लोग भीम संसद कार्यक्रम किया है उसमें 2.5 लाख लोगों की उपस्थिति हुई जिसमें रात में ही कुछ 50 हज़ार करीब लोग आ गए, तो उनके रखने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो ठंड के लेकर हम लोगों ने व्यापक रूप से सभी जिला में ही करने का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी जिला में ही उसको व्यापक रूप से जो है जन शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। और जो पहले से जो पूरे बिहार के 243 विधानसभा में जननायक कर्पूरी की चर्चा हो रही है वह चर्चा जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश ने इस कार्यक्रम को समय नहीं देने के कारण रद्द किया गया। नहीं नहीं, तो आप लोग का हो सकता है एजेंडा हो, आप लोग ने इसको ऐसा कुछ नहीं, सभी नेताओं की राय से ही यह कार्यक्रम तय हुआ। आयोजक कह रहे हैं कि असली बारिश हम लोग हैं क्योंकि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर की बारिश। देखिए अब इस पर कौन क्या कह रहा है उसकी बात हम क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म अभी आप तो जानते हैं कि हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और हमारी विचारधारा भी जो हमारे नेता जो लेकर चल रहे हैं गांधी लोहिया जयप्रकाश अम्बेडकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों के उन विचारों को सर जमीन पर उतारने का ही नहीं काम किया, उसको अपनाने का भी काम किया नहीं, और उनके सभी जो हमारे पुरखा हैं उनके संस्कारों को जीवित रखने का काम जनता दल यूनाइटेड पार्टी ही करती है समझे, और उस पर किसी पर कोई टिप्पणी नहीं, कोई कटाक्ष नहीं समझे, कोई भी बात हो सब लोग का ये जननायक। हाँ बताइए आप क्या। एक सवाल है, लगातार बीजेपी के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ जेडीयू विलय कर जाएगी, गिरिराज सिंह और सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं। हमें तो लगता है कि सब हताश में है, बेचैन है, तरह तरह के आप यही कह रहे हैं कि भाजपा के भरमजाल से बची, आप लोग को भी कह रहे हैं भाजपा जो है सही रास्ते से दिशा विहीन कराना चाहता है, लोगों को भटकाना चाहता है हमेशा, उसको तो विकास से कोई मतलब है नहीं, कोई वास्ता है नहीं, विकास करे तब तो, विकास करने में लगे तो उसका समय वहाँ विकास पर जाएगा, वो तो सिर्फ मन की बात करता है, जो उसके मन में आता है जहन में आता है वो करता है समझे, तो वो हमेशा कैसे जाति धार्मिक उन्माद कैसे फैलाना है उसकी बात करते रहता है भाजपा, तो भाजपा के बातों पर हमेशा हर बातों के नोटिस लें हम, हर बातों को हम जवाब देते ही रहे। आपने साफ तौर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुना, उन्होंने कहा कि कर्पूरी जयंती जो हम लोग 24 जनवरी को कर रहे थे वो कैंसिल कर दिया गया है लेकिन अब हर एक बिहार के जिला में कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग आयोजन करेंगे क्योंकि ठंड काफ़ी अधिक है इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि जब वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का संवाद का आयोजन किया गया था उसमें उन्होंने कहा कि 50,000 लोग रात में ही आ गए थे, तो अभी ठंड है जिसके वजह से हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए हर एक ज़िला में ही कर्पूरी जयंती का जो कार्यक्रम है वो करने का निर्णय लिया है। आपने साफ तौर पर उमेश कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है, कर्पूरी जयंती की जो 24 जनवरी को होने वाली थी वो कैंसिल पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए News24 पर। मेरे सहयोगी अशोक सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।